का सवाल यही है कि राहुल गांधी का बंगला खाली हो गया या खाली करवा दिया गया, और कैसे इसकी व्याख्या भविष्य में की जाएगी? देखिए, इस समय ट्विटर पे दो ट्रेंड चल रहे हैं, और मेरा घर आपका घर, और इसके पहले बंगला खाली करने वाला था। राहुल गांधी ने भी अपना एक ट्वीट किया है, वो आप देख ही रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी लगा है। मैं एक चीज देख रहा हूँ इधर पिछले 2-3 महीनों से, बल्कि 4 महीने हो गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लग रहा है कि एक खास हिस्से में समाज के कुछ चहल पहल हो रही है, जो ये सच है कि बहुत नीचे अभी नहीं गई है या बहुत बड़े जनमानस में नहीं है, लेकिन एक खास हिस्से में हो रही है। वो खास हिस्सा वो है जो समाज का आप कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा हिस्सा है, जो सचेत हिस्सा है, उसके अपने स्वार्थ भी हैं, सब कुछ है, और उसके अपने तमाम तरह के जो हमारे यहाँ वेरी अपने लोगों ने अपने आप को बांट रखा है जातियों में और दूसरे खानों में धर्म वगैरह के, वो सब भी है। वो मैं आपको वो कहना चाहता हूँ ट्विटर पे क्या हो रहा है। ट्विटर हमारे समाज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से कंपैरेटिवली मुझे लगता है अंग्रेजी ज़्यादा बोलने वालों के और अंग्रेजी जानने वालों के और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के जानने वालों के बीच भी पढ़े लिखे लोगों का एक प्लेटफॉर्म है कंपैरेटिवली। वैसे तो सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें बहुत लोग हैं, वो जनता जनार्दन उसमें है, हर तरह की है। ट्विटर पर थोड़ा सा ऐसा है, ट्विटर पर राहुल गांधी के कुल 23 मिलियन फॉलोअर हैं, इसमें से 5-6 मिलियन अभी यात्रा के बाद बढ़े, और केजरीवाल के 27 मिलियन के आसपास है, और मोदी जी का 88 मिलियन है, 88 मिलियन से ऊपर। मैं पिछले आपको एक 15 ट्वीट बता दूं अभी शुरू के 10-15 दिन के, इसमें मोदी जी का सिर्फ एक ट्वीट मिलियन पार किया है, वो है आज परशुराम जी के सवाल पर उन्होंने बधाई दी है, जो परशुराम जी की जयंती पर, वो 2.5 मिलियन चला गया है और उसको 16,000 के आसपास लोगों ने रीट्वीट किया है। लेकिन राहुल गांधी के बंगला खाली करने का ट्वीट पिछले 2 घंटों में 10,000 बार रीट्वीट हो चुका है और 1 मिलियन टच करने वाला है। राहुल गांधी के पिछले 20-25 सारे ट्वीट मिलियंस में गए हैं। केजरीवाल का इन दिनों कोई मिलियन में नहीं गया है, बल्कि वो हजारों में ही रह जा रहे हैं, लाख भी नहीं कर पा रहे हैं, ये व्यूज की बात मैं कह रहा हूं। तो कुछ तो हो रहा है एक सेक्शन में सोसाइटी के, जो कुछ हो रहा है उसका असर कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं एक संकेत के तौर पर इस बात को ले रहा हूं, लेकिन ये कोई अंतिम बात नहीं है, क्योंकि ट्विटर बहुत छोटी आबादी को प्रतिनिधित्व करता है समाज के, और उसकी उसमें 2-3 करोड़ लोग ही हैं, जबकि फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह जो है वो 50-50 करोड़ प्लस करते हैं। वहाँ निश्चित तौर पर मोदी जी और उनके जो उनके लिए जो संगठन काम करते हैं उनका कोई मैच नहीं है, वो बहुत उसमें अहेड है सबसे, ये सच है। लेकिन एक संकेत इससे मिलता है कि जरा बहुत सक्रिय रहने वाला जो मस्तिष्क है हमारे समाज का, उसमें ये बात गई है, और ये बात राहुल के पक्ष में गई है। कोई विपक्षी नेता इस समय माइल्स बिहाइंड है अगर राहुल गांधी को लिया जाए तो, क्योंकि मैं केजरीवाल को समझता था कि कंपैरेटिवली उनके लोग बहुत हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, और बहुत उनके लोग काम भी करते रहते हैं, ट्रेंड वगैरह भी चलाते रहते हैं, उनके पास भी पढ़े लिखी जमात का एक अच्छा समूह है और वो सक्रिय भी रहता है और उनकी फॉलोइंग भी राहुल गांधी से ज्यादा है। लेकिन जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रिस्पॉन्स में जमीन आसमान का फर्क आ गया है इधर, तो कुछ हो रहा है, कुछ देर इज सम चर्निंग। लेकिन अब मैं इसको बहुत डिटेल नहीं अभी समझ सकता, थोड़ा सा मैंने अध्ययन करने की कोशिश की कि मोदी जी के ट्वीट्स मिलियंस में क्यों नहीं जा रहे हैं, एकाधी कहीं कहीं जा रहे हैं, और उसमें मुझे ये परशुराम जी जयंती वाला मिला, वो गया है, यानी धार्मिक मामलों में अभी उनकी लोकप्रियता प्रचंड है, लेकिन जनरल पॉलिटिकल जो वो बयान दे रहे हैं या कोई उद्घाटन कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, उसको 1 मिलियन फॉलोअर मिलने में दिक्कत हो रही, 1 मिलियन दृश्य देख मतलब उनके ट्वीट को देखने आने वालों की उतनी संख्या नहीं हो रही है, जबकि राहुल गांधी कुछ भी इस समय कर रहे हैं जी वो मिलियन पार कर रहा है, और जो उन्होंने पिन कर रखा है वो तो 10 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो मोदी जी ने कोई पिन नहीं कर रखा, उनके रेगुलर जाते हैं, उनके काफी ट्वीट आते रहते हैं,
ये एक छोटा मैं एक संकेत देना चाह रहा हूं कि लोगों के सोचने समझने में राहुल गांधी का प्रवेश हुआ है। अब ये कितना नीचे डेसिपेट करेगा, चूंकि ट्विटर फिर मैं कहूंगा एक इलीट प्लेटफॉर्म है और अभी जो जनमानस में जाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वहां मैं ऐसी उतनी बड़ी हलचल नहीं देख रहा हूँ। सक्रियता बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है, लेकिन ये फर्क जैसा ट्विटर पे है वैसा वहां बिल्कुल नहीं। वहां वो निश्चित तौर पर बीजेपी और मोदी जी के पक्ष में है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।